ഹിന്ദു ധർമ്മ പരിഷത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി മേജർ സുരേന്ദ്ര പുനിയ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. യുനോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളൻ ഹാവ് എ ഹിന്ദു യൂത്ത് കോൺക്ലേവ്. And what is your expectation, and what about what is your opinion about the relevance of this event? अगर भारत को जिंदा रखना है तो इस देश की जो सनातन सभ्यता है, जो हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म का जो मूल भाव है सर्वधर्म संभाव, कि सभी धर्मों के लोग समान हैं और सबकी इज्जत होनी चाहिए और सबकी रक्षा होनी चाहिए. लेकिन दुनिया में अभी ऐसा नहीं चल रहा है. दुनिया में बाकी के जो धर्म हैं वो जो हिंदू धर्म है या बाकी के लोगों को जिस ढंग से कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं उससे इस देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, जो यहाँ के वैल्यूज़ हैं, चाहे केरल हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जो भी आप देख रहे हैं देश के अंदर जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है. इस राष्ट्र को एक रखने के लिए हिंदू धर्म को आगे आना होगा. हिंदू धर्म का जो मूल स्वभाव है, जो उसका विश्वास है, जो उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उनके एथिक्स हैं, हज़ारों साल से जो चला आ रहा है, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो. और आपको एक चीज़ देखना होगा कि हिंदू धर्म के लोगों ने कभी भी किसी बाहर के लोगों पर जाके न कभी अटैक किया है, और जो शरण में आए हैं हमेशा उनको शरण दी है और सबको अपनाया है. लेकिन जो आज का परिवेश है इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान में जो चल रहा है, विशेष तौर से जो वामपंथी पार्टियां हैं और जो इस्लामिक जो जिनको कहना चाहिए जो एक आतंकवाद जो थोपने की कोशिश हो रही है हिंदुस्तान के, ये इस देश को बहुत पीछे ले जाएगा. और आज दुनिया में भारत चीन और अमेरिका उनके बराबर आके खड़ा हुआ है, क्योंकि जो यहाँ का जो यूथ है वो युवा है, जो मेहनती है, और उसमें आगे बढ़ने की एक क्षमता भी है और उसमें एक फायर है. लेकिन अगर उस यूथ को दूसरी चीज़ों में लगा दिया गया तो इस देश की जो इकोनॉमी है, जिस ढंग से देश में भारत बंद आंदोलन होता है, किस चीज़ का भारत बंद, अंग्रेज़ चले गए ना, अब किस चीज़ का बंद कर रहे हो आप, ये गलत है. और जो वामपंथी पार्टियाँ हैं जो कभी भी चीन के ऊपर कुछ नहीं बोलती हैं, आपने, मैं एक सैनिक हूँ, मैं एक सोल्जर हूँ, और मुझे दुख होता है कि जब चाइना का गलवान में हमारे साथ जो झड़प हुई, किसी भी वामपंथी नेता ने, न इनके मुख्यमंत्री, न इनके जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला. क्यों? क्या ये लोग इस देश के नहीं हैं? क्या इन लोगों का इस देश के लोग सेना के लिए दिल नहीं धड़कता? क्या इन लोगों को, वामपंथियों को, इस देश की सेना से मोहब्बत नहीं है? ठीक इन्हीं लोगों ने 1962 में, आपको याद होगा कि चीन के अंदर, चीन से जब हमारा जंग हुआ तो इन लोगों ने चीन का साथ दिया था, इन्होंने ब्लड डोनेट करने को सेना को मना कर दिया था. मेरा इन लोगों से सवाल है कि अगर आपकी हमारे से नहीं बनती कोई बात नहीं, आप राजनीतिक विचारधारा अलग रखिए, लेकिन जब भारत की बात हो तो भारत के लोगों के साथ खड़ा होइए, भारत के जो स्तंभ हैं उनके साथ खड़ा होइए, भारत के जो मूल्य हैं उनके साथ खड़ा होइए. मुझे अभी रास्ते में आते हुए बताया गया कि आपके स्टेट के जो CM साहब हैं उनका इलाज अमेरिका में हुआ है. ये शर्म की बात है. कैसे कैसे वामपंथी हो आप, कैसा साम्यवाद है? आप कहते हो हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, ये कौन सी गरीबों की लड़ाई है? क्या केरला में हॉस्पिटल नहीं है? हम भी डॉक्टर हैं, हमें बोल दीजिए, हम सेना के किसी हॉस्पिटल में इलाज करवा देते. सर यही कहना है आपके लोगों से, केरल देश का सबसे खूबसूरत स्टेट है, सबसे खूबसूरत स्टेट है, और इसके अंदर इतना पोटेंशियल है. लेकिन जो यहाँ पे जो लैंड जिहाद चल रहा है, जिस ढंग से यहाँ के पढ़े हुए युवा सीरिया जाके ISIS ज्वाइन कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार उनका? कोई तो है ना जिम्मेदार? क्या बाहर के लोग थोड़े ना जिम्मेदार हैं, यहीं के लोग जिम्मेदार हैं? ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होगी जिनकी वजह से उनको वहाँ जाना पड़ रहा है? ये खतरा भी है देश के लिए. तो आप सभी से मेरा यही कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, और यहाँ के युवाओं से मैं मिलना चाहूँगा. यहाँ के युवा शायद देश को एक नई राह दिखा सकते हैं. जय हिंद, जय भारत.